हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिज़ाइन। तो आ गया मैं फिर से नया वीडियो लेके। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। आज बहुत टाइम कम है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आज क्या दिखाएंगे देखाते हैं, आज एक नया चीज़ दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाते हैं, देखिए इतना कितना अच्छा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। इस पेज को हम यहाँ से लेके एड्रेस, आवर ईमेल्स, आवर फोन से लेके ये कॉन्टैक्ट फॉर्म तक हम बनाएंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक बार बोल देता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नया नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो पर। तो पहले क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं, हम कॉन्टैक्ट बोल के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोल के फोल्डर बना लिया एंड इसको ओपन कर लेंगे सब लाइन में। तो सब लाइन ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको हम काट देते अभी। देखिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ओपन कर लिया एंड को सेव करेंगे index.html, ठीक है, सेव हो गया। एंड हम क्या करेंगे, अभी टाइम नहीं है इसलिए हम जाएंगे गूगल पे बूटस्ट्रैप का, जो बूटस्ट्रैप 4 में जाएंगे, बूटस्ट्रैप 4 का जो स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जस्ट कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे स्ट्रक्चर। देखिए ये बूटस्ट्रैप 4 का स्ट्रक्चर, देन कॉपी ये वाला है, हाँ यही है, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो नहीं चाहिए हम रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ, एक बार रिमूव कर दिया इसको भी एंड इसको भी। तो देखिए यहाँ पे जूम कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे जेक्वायरी का सीरियन बूटस्ट्रैप 4 में नया है, पॉपर डॉट मीन डॉट जे एस एंड बूटस्ट्रैप 4 का CDN JS लिंक और ऊपर में भी बूटस्ट्रैप 4 का CSS, ठीक है, इतना हमको नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया, देखिए कितना आसान है। तो टाइटल में हम दे देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन इन HTML एंड CSS। HTML एंड CSS, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं उसके पहले एक चीज़ कर लेता हूँ, HTML CSS बना लेता हूँ, CSS जो मेरा CSS शीट है होता उसको बना लेता हूँ। तो मेरा CSS कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर जाएंगे स्टाइल, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर style.css एंड इसको हम यहाँ पे सबसे नीचे लिंक कर लेंगे, ठीक है, लिंक style.css मेरा लिंक हो गया। देन हम इसको ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा जो इंडेक्स है हम ये इसके अंदर दे देंगे एंड एक गलती से आ गया था इसको हम डिलीट कर दिया, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा है जस्ट, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड को हम हटा देते हटा दिए एंड रिफ्रेश, सॉरी हाँ इसको हम काट देंगे एंड इसके अंदर से इसको ले लेंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को हम रिमूव करेंगे यहाँ से एंड सेव, देखिए हो गया। तो चलिए पहले बनाएंगे हम पहले एक सेक्शन बनाएंगे इस सेक्शन को, ठीक है, 1 2 3 तो मुझे सेक्शन चाहिए। तो पहले एक सेक्शन बना लेते, डीप ले लेता हूँ, क्लास देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म
कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म। तो मेरा देखिए क्लास दे दिया कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म, इसके अंदर जाएंगे देन डीव क्लास फास्ट डीव क्लास जाएंगे डिटेल्स बॉक्स, ठीक है डिटेल्स अंडरस्कोर बॉक्स, मतलब और भी थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेता हूँ, डिटेल्स अंडरस्कोर बॉक्स कर लिया। देन इसके अंदर रो लेंगे डीप क्लास सॉरी कॉन्टैक्ट फॉर्म, पहले रो कंटेनर लेना है, इसके अंदर लेंगे डीप क्लास कंटेनर कंटेनर, देन इसके अंदर इसको पेस्ट। तो मेरा इसके अंदर पेस्ट हो गया, इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ एंड देखिए यहाँ ये इसका 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 सॉरी अभी ठीक है। एंड इसको हम क्लास देंगे रो रो देन डीप क्लास, मुझे कितना रो कॉलम चाहिए एक बार देख लेते, एक दो तीन कॉलम चाहिए, ठीक है तो हम तीन कॉलम लेंगे कॉल एल जी, और जो ये बूस्टा फोर है तो इसका स्टार्टिंग होता है एक्सेल से, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल फोर कॉल एल जी फोर कॉल एम डी एम डी फोर देन कॉल एस एम एस एम ट्वेल्व दे देंगे स्मॉल साइज में 12 एंड एकदम छोटा कॉल 12 और बूटस्ट्रैप 3 में कॉल 12 नहीं था वहाँ पे था, इसके बदले XL XS XS एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है तो इसको हम तीन बार कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया। अभी कुछ नहीं दिखाएंगे रिफ्रेश क्योंकि ये जस्ट बूटस्ट्रैप का कोड लिखा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी लिखेंगे। देन हम फास्ट दे रहा हूँ डीप क्लास सिंगल बॉक्स, क्लास देंगे सिंगल बॉक्स सिंगल बॉक्स, ठीक है सेव। अभी हमको क्या चाहिए आइकन, तो आइकन ये आइकन लेने के मुझे क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप फोर ऑसम फॉन्ट ऑसम का लिंक CDN ऐड करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम CDN नहीं फोर का फॉन्ट ऑसम CDN लिंक फोर, बूटस्ट्रैप को हम रिमूव कर दिया सेव एंड यहाँ से हम क्लिक करके इसका जो लिंक है यहाँ पे क्लिक एंड कॉपी, कॉपी हो गया मेरा एंड हेडर में CSS के पहले लिंक कर देंगे लिंक पेस्ट, ठीक है मेरा फॉर्म लिंक पेस्ट हो गया। तो हम उसका साइड में जाएंगे फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स, ठीक है ये 4.7 का आइकन है, तो पहले कौन सा आइकन चाहिए मुझे मैप का, तो हम यहाँ पे देंगे मैप, मैप दे सकते या लोकेशन दे सकते, अब जो चाहिए अब दे सकते, देखिए आ गया मैप मार्कर, देन इसको कॉपी एंड इसको स्पैन के अंदर देंगे, स्पैन के अंदर इसको देंगे देन देंगे टाइटल इस टू देंगे एड्रेस आवर एड्रेस सॉरी आवर एड्रेस देन देंगे पी पी, तो हम इस जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो एड्रेस यहाँ पे एक डामी एड्रेस दिया हुआ है इसको कॉपी कर लिए यहाँ पे पेस्ट, ठीक है एंड ये जो सिंगल बॉक्स है सिंगल बॉक्स को हम कॉपी करेंगे, हम सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे एंड हर बाकी दो में हम पेस्ट कर देते हैं, देखिए पेस्ट देन अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए अभी इसको ये रिस्पॉन्सिव है, देखिए इसको हम छोटा करेंगे तो नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है देखिए रिस्पॉन्सिव है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं एडिट करना, तो
तो हम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम स्टाइल सीट में अंदर ये करेंगे, लिखेंगे। तो उससे पहले हम एक काम करेंगे, स्टार देंगे, देन मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हम ले लेंगे, ठीक है। ये सब सब में मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो सब में डिफ़ॉल्ट ले लेगा, इसलिए इसको हम दे दिए। तो हम मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख लिया, जितना भी मेरा क्लास है सब यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा काम करना, ठीक है। डिटेल्स बॉक्स ले लेंगे, सबको लिख लेंगे, जस्ट जो कंटेनर है, उसके बाद ये जो कॉल एसएम, कॉल 12, ये जो है रॉ है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट क्लास है, इसको हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट हमारे जो हम क्लास लिखे उस क्लास को हमको चाहिए। देन इसको कॉपी, देन उसके अंदर है स्पैन, देन उसके अंदर H2 टाइटल के लिए, ठीक है, देन उसके अंदर E। तो ये मेरा हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा हो गया। तो अभी जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम पैडिंग देंगे, पैडिंग ऊपर नीचे से 80 पिक्सल करके देंगे एंड दोनों तरफ से ज़ीरो, मतलब ऊपर नीचे से 80 पिक्सल दोनों तरफ से ज़ीरो, ठीक है। देन इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट से, देन सॉरी फोटोशॉप पे क्लिक कर दिया तो फोटोशॉप वो ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे सिंगल बॉक्स, तो सिंगल बॉक्स पे जाएंगे, पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड 20 नहीं, हम यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा देते 30 पिक्सल कर दे रहा हूँ, पैडिंग 30 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अभी देंगे बॉक्स शैडो, बॉक्स साइजिंग नहीं देंगे क्योंकि हमने डिफॉल्ट ले लिया बॉक्स साइजिंग, बॉक्स शैडो देंगे 2 पिक्सल, ऐसे ही जस्ट हम ले लेता हूँ अभी, 2 पिक्सल ऐसे ले लिया जस्ट, हाँ डेमो के लिए। अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको इधर उधर जहाँ चाहिए दे सकते, ये नया सा डिज़ाइन है तो हम थोड़ा इतना देंगे, हाँ इतना सा, एंड ये आउटसाइड है हम इसको इनसाइड कर देंगे, ठीक है, इनसाइड। एंड जो कलर है, कलर हमको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी हम बैकग्राउंड को दे देंगे व्हाइट, बैकग्राउंड को व्हाइट देंगे एंड इस कलर देंगे रेड, ठीक है। देखिए अब यहाँ इसको यहाँ पे एंड जस्ट क्या करेंगे, इसको एकदम सेंटर पे लाएंगे, एकदम सेंटर, ऑफसाइड ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो एंड ज़ीरो सेंटर पे लाया एंड इसको ब्लर का थोड़ा हमने इसको ये कर दिया, ब्लर यहाँ पे ब्लर जो है फुल कर दिए, इसको थोड़ा हम ये कर रहा हूँ। अब देखिए कितना करना है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कैसे करा है, बहुत छोटा किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उतना नहीं वहाँ पे जितना किया हुआ है हम वैसे ही करेंगे, ब्लर को थोड़ा ब्लर फुल रहने देते हैं, इसको थोड़ा हम ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने पैडिंग ज़्यादा दे दिया, वहाँ पे पैडिंग ज़्यादा नहीं है, वो आप मैनेज कर लीजिए, हम कैसे बनाएं वही दिखा रहा हूँ। तो इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे, सॉरी इसको पूरा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, देन रिफ्रेश। तो क्या हो गया, पूरा एकदम मेरा जो एक साथ आ गया, क्यों आ गया एक बार देख लेंगे, सेंटर, क्यों
उसका जो पैडिंग है पैडिंग हो, सॉरी सिंगल बॉक्स नहीं, सॉरी हमने भूल कर दिया, हमको चाहिए सिंगल बॉक्स पे देना पड़ेगा, इसलिए हमने भूल कर दिए, हमको सिंगल बॉक्स पे देना पड़ेगा। तो हमने डिटेल्स बॉक्स डिटेल्स बॉक्स पे दे दिए, देखिए जी डिटेल्स बॉक्स पे दे दिए, तो हमको चाहिए सिंगल बॉक्स पे, ठीक है। तो हम नीचे वाला में देना पड़ेगा मुझे, हम गलती से ऊपर वाला में दे दिए, देना भी दे रहा हूँ रिफ्रेश, सॉरी कहाँ गया इधर रिफ्रेश, अब देखिए ये आ गया मेरा। देन हमको क्या करना है यहाँ पे देख लेता हूँ, कलर सब ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा करेंगे एंड इसका आइकन का फ़ॉन्ट बड़ा कर देंगे, ठीक है, आइकन को बड़ा करेंगे, इसको जाएंगे देन स्पैन फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल देंगे, 40 पिक्सल इतना ठीक है, ठीक है फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। मार्जिन बटन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए तो देखिए ये हो गया मेरा, फॉन्ट साइज तो बड़ा कर लिए लेकिन ये थोड़ा शेडो थोड़ा मुझे ये लग रहा है, तो हमको इसको क्या करेंगे थोड़ा अपासिटी कम आ देंगे इसको, ठीक है, हाँ इतना अपासिटी ठीक है। एंड इसको थोड़ा एडिट करेंगे, देखता हूँ कौन सा वाला अच्छा लगता है, 4:4 इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 24 इसको थोड़ा, हाँ ये ठीक है, इतना इतना ठीक है। एंड इसका ओपेसिटी और थोड़ा कम आएंगे, हाँ ठीक है ठीक है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा इधर उधर ओपेसिटी बढ़ा के करके एक बार अपनी तरह से सेट कर लीजिएगा, हम दिखा रहा हूँ जस्ट कैसे किया हमने। तो ये हो गया मेरा फॉर्म, ठीक है, तो हम इसका भी फॉन्ट साइज अब छोटा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज तो हम छोटा कर दे रहा हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल फॉन्ट साइज छोटा कर दिया, सो कॉपी एंड पेस्ट में सेव, ठीक है देखिए हो गया। और कुछ यहाँ पे, हाँ जो कलर है कलर को हमको ब्लैक से रेड में करना है, ठीक है, तो इसको कॉपी स्पैन का कलर करेंगे रेड, कलर रेड, ठीक है जस्ट को कॉपी, दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्पैन में। एंड जस्ट क्या करेंगे इसका जो मेरा आइकॉन्स है आइकॉन्स का ये हम सेव चेंज कर देंगे, रिफ्रेश यहाँ पे जाएंगे फोन, फ़ोन के लिए हम कौन सा यूज़ करें, ये वाला यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला ही यूज़ किया हुआ है, तो हम इस पर जाएंगे कॉपी कॉपी एंड इन HTML में फ़ोन, इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया फ़ोन, आवर फ़ोन फ़ोन नंबर कर देते हैं, फ़ोन नंबर नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा जूम करके दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7872294558, ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। देन नेक्स्ट वाला है आवर ईमेल एड्रेस, आवर ईमेल, देन ईमेल का जो मेरा ये होता है उसको आइकन होता है, जस्ट लिखेंगे ईमेल, देखिए आ गया, तो इसको हम ले लेंगे कॉपी सॉरी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड मेरा ईमेल आईडी भी दे देता हूँ यहाँ पे, deepshantra44@gmail.com, ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे अभी यहाँ पे, देखिए ये मेरा ऐसा आ गया, क्यों आ गया, थोड़ा एक बड़ा एक छोटा क्यों हुआ है,
क्योंकि हमने इसका हाइट नहीं दिया, इसको हाइट देना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं तो कंटेंट का जितना कंटेंट होगा उतना हाइट ले लेगा ऑटोमेटिक। तो हमको इसमें हाइट दे देंगे, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो हम थोड़ा कमा देता हूँ, 180 पिक्सल ठीक ही है, ठीक है, हाइट 180 पिक्सल। हम इसको कॉपी एंड सिंगल बॉक्स पे पेस्ट, मेरा सिंगल बॉक्स पे पेस्ट, सेव। देखिए मेरा ऊपर वाला में हो गया, ये रेस्पॉन्सिव एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए ये रेस्पॉन्सिव आ गया। हम इसमें छोटा, अब जब छोटा करेंगे ये इसको इसमें निकल जा रहा है, तो हम जब इस साइज में जाके इसका हाइट हम ऑटो कर देंगे, जस्ट ऑटो, तो देखिए ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे रेस्पॉन्सिव सेफ सॉल्व करना है, तो आप वो वाला कर लीजिएगा रेस्पॉन्सिव, आपको दिखाइए कैसे रेस्पॉन्सिव को सॉल्व करते, कैसे रेस्पॉन्सिव फिक्स करते, बहुत सारा वीडियो हमने बनाए ऑलरेडी, तो देख लीजिएगा। तो देन बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो हम इसको जाएंगे फॉर्म पे, तो कंटेनर डिटेल्स बॉक्स, डिटेल्स बॉक्स को मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, क्लास हम क्लास नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे फॉर्म, फॉर्म सॉरी फॉर्म, ठीक है। देन डीव क्लास, तो हम जाएंगे गूगल पे शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा सा शॉर्ट गूगल पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप 4 का फॉर्म लेंगे, बूटस्ट्रैप 4 फॉर्म, फॉर्म बूटस्ट्रैप 4 फॉर्म, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आ गया बूटस्ट्रैप 4। तो जस्ट हम पहला वाला एक कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड इसको हम रिमूव कर दे रहा हूँ, सेव एंड देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको पेस्ट कर दिया, तो हमको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए एक बार देख लेता हूँ। जो स्मॉल है इसको हम नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे एंड जो मेरा इसके अंदर इनपुट है, इनपुट पे ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट, डिलीट हो गया एंड अभी एडिट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाला देंगे लेवल फॉर नेम, नेम दे दिया, देन ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे नेम, नेम देन टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट देन क्लास फॉर्म कंट्रोल देन आईडी देंगे टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट आईडी देंगे सॉरी नेम, नेम देंगे प्लस प्लेस होल्डर हम कुछ नहीं देंगे, प्लेस होल्डर हम जस्ट ब्लैंक रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है, इसलिए प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ये रिफ्रेश, देखिए मेरा आ गया है नेम, इसको क्या करेंगे पहला दो करके कॉलम लेंगे, एक कॉलम दो कॉलम तीन चार, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर इसको काट कर रहा हूँ, काट देन डीव क्लास रो, रो ले लिया देन डीव क्लास कॉल एक्सेल 6 कॉल एलजी 6 कॉल एमडी 6 कॉल एसएम 12 एंड कॉल 12, ओके एंड इसके अंदर हम क्या पेस्ट कर दिए, जस्ट पेस्ट। इसको थोड़ा हम साइड कर लेता हूँ, देखिए सेव, तो मेरा ये पहला सेव हो गया। देन इसको हम कॉपी करेंगे पूरा डिप को, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। हम इसको गैप दे रहा हूँ थोड़ा, देन इसको देंगे नेम को देंगे हम, यहाँ पे कौन सा दिया हो एक बार देख लेता हूँ, योर नेम देन ईमेल, ठीक है। तो आप आपके जरा से योर नेम आवर नेम जो कुछ लिख सकते हैं, तो हम जस्ट नेम देंगे देन ईमेल देंगे, ईमेल फॉर ईमेल कर देंगे, टाइप ईमेल
देखिए इनपुट टाइप बहुत सारा होता है, ठीक है, वो एक बार गूगल पे देख लीजिएगा इनपुट टाइप कितना तरह का होता है। बहुत सारा का इनपुट टाइप होता है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। आप टेक्स्ट दे सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको जो HTML का रूल्स है उसके लिए, ईमेल के लिए अलग सा टाइप होता है, फ़ोन के लिए अलग टाइप होता है, रेडियो बटन के लिए अलग टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, एंड नॉर्मल टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है। एक बार वो देख लीजिएगा आपने गूगल पे सर्च करके कितना सारा टाइप है। तो देन ईमेल आईडी ईमेल देंगे, प्लेस होल्डर ब्लैंक जस्ट देन, और उसको भी कॉपी कॉपी यहाँ पे पेस्ट पे देंगे, कौन सा फोन नंबर या सब्जेक्ट, फोन नंबर फॉर फोन ईमेल के लिए टाइप, यहाँ पे फोन टाइप फोन होता है, ठीक है, सॉरी टाइप टेलीफोन टाइप टेल, और आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, देन ईमेल आईडी के लिए फोन। तो ये मेरा हो गया, देन फिर से कॉपी पेस्ट, देखिए फोन के जगह हम देंगे सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे फोन एच होगा, हम जे दे दिए phone फोन, ठीक है, सब्जेक्ट हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कॉपी कर लिए, एंड यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, एंड आईडी पे सब्जेक्ट। तो ये मेरा हो गया, देन अभी रिफ्रेश, देखिए मेरा आ गया बॉक्स, ठीक है। देन अभी क्या करेंगे, इसको और एक बार कॉपी करेंगे, देन इसको यहाँ पे पेस्ट, जिन जो मेरा इनपुट टाइप है इसको हम चेंज करके टेक्स्ट एरिया करेंगे। मैसेज के लिए यूज होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया के टाइप नहीं देना पड़ता है क्योंकि टेक्स्ट एरिया एक ही के लिए यूज होता है, एंड बाकी को हम पेस्ट कर लेंगे, जितना बाकी हम पेस्ट कर लिए, कॉपी कर लिया एंड इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या देंगे, कौन सा है देखिए एक बार लेते हैं, हम यहाँ पे कॉपी कर ले तो मैसेज, ठीक है, मैसेज एंड सब्जेक्ट पे देंगे मैसेज, एंड आईडी में भी मैसेज को दे देंगे, ठीक है, हो गया मेरा फॉर्म रेडी। नहीं सॉरी, और एक काम बाकी है, कौन सा, बटन का, तो हम जस्ट डीप को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट, इसको क्लोज, ठीक है, देन इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर हम जाके इसको भी लेंगे, तो हम इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी कर लिया, जन इसके अंदर लेवल को नहीं चाहिए, एंड टेक्स्ट एरिया पे हम इसको जस्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल को कॉपी करेंगे एंड आईडी भी कॉपी करेंगे, ठीक है, ये दोनों को कॉपी कर लिया एंड बाकी डिलीट यहाँ पे लिखेंगे बटन लेंगे, इसके अंदर टाइप देंगे सबमिट, ठीक है, सॉरी, एंड बाकी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, देखिए एंड यहाँ पे सबमिट आईडी सबमिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी रिफ्रेश, हमने तो बटन अभी कहाँ गया मेरा बटन, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर सबमिट लिखेंगे सबमिट एंड यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए मेरा सबमिट बटन आ गया, ठीक है। तो ये आधा क्यों आ रहा है, मुझे फुल चाहिए, तो ये जो 6-6 है तो इसको कॉपी कंट्रोल बी से सिलेक्ट करेंगे, हाँ इसको हम 12 कर देंगे, सेव, अभी देखिए रिफ्रेश, देखिए ये फुल आ गया।
तो हम कंट्रोल फॉर्म डिज़ाइन तो सिखा रहा हूँ, लेकिन कैसे इसको वर्डप्रेस में डेवलपमेंट करें वो भी हमने दिखाए मेरा एक वीडियो में, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वर्डप्रेस में कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म को डेवलप कर सकते वो भी दे दिया, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पहले मेरा जितना भी क्लासेस हमने यहाँ पे यूज़ किया सब क्लास को लिख देता हूँ, ठीक है। पहले देखेंगे फॉर्म को, फॉर्म को लिख दिया, देन फॉर्म के अंदर लेवल देखते हो, फॉर्म के अंदर क्या है लेवल, ठीक है, लेवल को लेंगे, देन फिर से फॉर्म के अंदर इनपुट, इनपुट देन उसके अंदर सॉरी लेवल नहीं फॉर्म होगा, इस यहाँ पे भी फॉर्म, देन फॉर्म के अंदर इनपुट के बाद बटन एंड और एक चीज टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कहाँ है देखता हूँ एक बार, हाँ टेक्स्ट एरिया कॉपी, तो ये मेरा हो गया, ठीक है, इतना ही लिखना है। देन हम यहाँ पे रिफ्रेश, तो हम बैक ये कर रहा हूँ, देन जो मेरा फॉर्म फॉर्म है फॉर्म का बैकग्राउंड कलर देंगे रेड, बैकग्राउंड रेड, पैडिंग देंगे इसमें 40 पिक्सल दोनों तरफ से, सॉरी ऊपर नीचे से दोनों तरफ से 40 पिक्सल देंगे, ठीक है, दे दिए, एंड इसका कॉपी एंड फॉर्म में पेस्ट, एंड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में इसके साथ लिंक हो जा रहा है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम नहीं, इसको हम हाँ देखिए डिटेल्स बॉक्स लिखे थे क्लास, उसके हम मार्जिन बॉटम देंगे 40 पिक्सल, ठीक है, इतना ठीक है, इसको कॉपी एंड यहाँ पे डिटेल्स बॉक्स पे पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। देखिए मेरा काम आधा आधा हो गया, हो गया। देन लेवल को जाएंगे, कॉल कलर देंगे, कलर व्हाइट, कलर व्हाइट सॉरी, ठीक है, कलर व्हाइट दे दिया, एंड इसको जस्ट हम कॉपी एंड यहाँ पे लेवल, लेवल पे पेस्ट, एंड जो अभी काम है थोड़ा इनपुट टाइप का, इनपुट टाइप में क्या करेंगे, इनपुट इनपुट हमने क्लास लिखे थे यहाँ पे, देखिए इनपुट टाइप में क्या करेंगे, बॉर्डर पहले नन कर देंगे, बॉर्डर यहाँ पे हमको देना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, देन बॉर्डर रेडियस, रेडियस ज़ीरो, इसको भी इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस ज़ीरो, हाँ देन सब में इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर एक CSS दिखा रही है, देखिए बॉर्डर रेडियस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जब इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो ये डिफॉल्ट ले लेगा, इसलिए हमको इसके ऊपर ओवरराइट कर रहा हूँ, मेरा CSS जो है उसको लिख रहा हूँ, तो और डिफॉल्ट के ऊपर ओवरराइट करने के लिए मुझे इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। देन पेयरिंग देंगे 10 पिक्सल, फिर से इम्पोर्टेंट 10 पिक्सल दे दिए, ठीक है, तो मेरा हो गया काम इतना ही, देन इसको कॉपी एंड इनपुट पे पेस्ट, देखिए हो गया, देन फिर से मुझे करना है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे, टेक्स्ट एरिया पे, ठीक से फिर से टेक्स्ट एरिया, वहाँ पे जितना हम किया जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी एंड टेक्स्ट एरिया पे पेस्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश पेस्ट, एंड इसका हाइट थोड़ा हम बढ़ाएंगे, टेक्स्ट एरिया का हाइट बढ़ाएंगे, रिफ्रेश टेक्स्ट एरिया मेरा यहाँ पे हाइट 200 पिक्सल, ये भी मेरा जितना चाहिए मुझे, हम 200 नहीं लेंगे, हम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, 180 कर देता हूँ, नहीं 150 कर देता हूँ, ठीक है 150, ठीक है, देन इम्पोर्टेंट।
सॉरी पिक्सल एंड इंपोर्टेंट ठीक है मेरा हो गया एंड इसको कॉपी पूरा कॉपी एंड टेक्स्ट एरिया पे हम पेस्ट कर देंगे जस्ट सबको सिलेक्ट करके पेस्ट तो अब रिफ्रेश देखिए मेरा हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म कितना सुंदर लग रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे नेम जितना भी लेवल है मेरा उसको टेक्स्ट फॉर्म स्मॉल में सब हम कैपिटल में कर देंगे जस्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस देखिए जितना भी लेवल हमने यूज़ किया है ऊपर में उतना सब अपर केस में हो गया देन इसको लेवल पे पेस्ट कर देंगे सेव अभी क्या करना है मुझे सबमिट बटन को करना है ठीक है सबमिट बटन यहाँ पे है बटन को करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं ले रहा है इसके लिए क्या करेंगे आईडी इम्पोर्टेंट देंगे इम्पोर्टेंट ठीक है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पे नहीं ले रहा है ये तो हम इसको जस्ट हम कर देंगे टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर अभी यहाँ सेव एंड यहाँ पे फिर से रिफ्रेश अभी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे यहाँ पे कहाँ गया बटन बटन हाँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड यहाँ पे देंगे हम इम्पोर्टेंट देखिए ठीक है अभी इसका बॉर्डर जितना भी हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे बॉर्डर रेडियस पैडिंग तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहा हूँ ठीक है देखिए पेस्ट एंड यहाँ पे रिफ्रेश देखिए आ गया देन हम इसको क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर देंगे कहाँ यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे जस्ट बॉक्स शैडो देंगे बॉक्स शैडो 2 पिक्सल देन रेड दे रहा हूँ ठीक है इतना ही दे रहा हूँ देन इसको हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे देन यहाँ से इसको ज़ीरो कर देता हूँ इन लाइन पे देंगे देन ब्लर देखिए इतना ब्लर पूरा दे देंगे इसको इतना 2 पिक्सल को ठीक है देखिए एंड इसको कॉपी पूरा कॉपी कर लेता हूँ कॉपी एंड बटन पे पेस्ट ये सेव एंड रिफ्रेश तो देखिए मेरा एंड कलर को हम ब्लैक कर देंगे कलर बटन जो कलर है कलर ब्लैक सेव ठीक है देखिए ब्लैक नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा पूरा ब्लैक नहीं आया देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट अभी देखिए पूरा ब्लैक आ जाएगा ठीक है अभी आ गया तो मेरा आधा काम हो गया क्योंकि ये यहाँ पे पूरा क्यू आ रहा है इसके लिए हमको क्या करना है जस्ट यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर जो फॉर्म कंट्रोल है फॉर्म कंट्रोल को कट करेंगे अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये मेरा आधा आ गया क्योंकि फॉर्म कंट्रोल था इसलिए मेरा विथ 100% ले रहा था ठीक है तो हम फॉर्म कंट्रोल को हमने हटा दिया अभी नहीं लेगा जिन अभी पैडिंग देंगे ऊपर नीचे से पैडिंग है मेरा 10 पिक्सल एंड दोनों तरफ से ऊपर नीचे पैडिंग 10 पिक्सल है दोनों तरफ से 20 पिक्सल देता हूँ और थोड़ा बढ़ा देता हूँ 50 पिक्सल एंड दोनों ऊपर नीचे से थोड़ा बढ़ा देता हूँ 16 पिक्सल ठीक है ये मेरा हो गया एंड इसको कॉपी पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेव पूरा मेरा कंप्लीट हो गया अभी मेरा कंप्लीट हो गया मेरा एक फॉर्म देखिए कितना अच्छा है कॉन्टैक्ट फॉर्म ने हम बना लिए इस तरह स्केल तरह ठीक है यहाँ पे क्यों है यहाँ से और यहाँ पे ऐसे क्यों है आप अगर मानना चाहते हैं तो हम इस पर
करेंगे क्या, इस पे बैकग्राउंड देना पड़ेगा ब्लैक रेड, बैकग्राउंड रेड एंड इसका जो शेडो है इसको वाइट। देखिए अभी ऐसा आ गया, ठीक है, एंड कलर भी वाइट। देन इसको हम करेंगे कॉपी पूरा एंड यहाँ पे पेस्ट, सॉरी बटन में ही भी थोड़ा टाइम लग गया परफेक्ट होने में, ठीक है। देखिए अभी कितना अच्छा आ गया मेरा सबमिट बटन। देन यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट एंड यहाँ पे मैसेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक बॉक्स है, यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा एक सेक्शन है। तो हम यहाँ पे भी कर देंगे उसको, सॉरी एंड स्पेक्ट, फॉर्म पे जाएंगे, जस्ट बॉक्स शेडो करेंगे, बॉक्स शेडो जस्ट टू पिक्सल देन रेड ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, जो क्योंकि मुझे ये आना चाहिए, ये ऑप्शन मुझे चाहिए इसलिए ऐसे कर दिया। देन या इस ऑप्शन पे हम क्लिक किया, देन इनसाइड देन हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे दोनों को ज़ीरो, ठीक है। एंड हमको कलर क्या चाहिए, कलर चाहिए ब्लैक में, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे क्लिक, देखिए हाँ ब्लर इतना, इसको इतना जितना आप कर सकते हैं, हम 4 कर दे रहा हूँ और थोड़ा इसको ओपेसिटी हाइट कम कर दे रहा हूँ, ओपेसिटी इतना कम, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, पूरा कॉपी कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे फॉर्म पे पेस्ट, पूरा फॉर्म को पेस्ट, सेव। देखिए कितना अच्छा एक, मुझे लग रहा है ये कितना अच्छा एक CSS इफेक्ट हो गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपको वाइट देना है, वाइट देखिए कोई भी कलर मान लीजिए ये देना है, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसे ऐसे करके आपको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, हाँ चलिए। तो प्लीज़ देखिए कितना अच्छा एक CSS के, HTML एंड CSS के ऊपर एक HTML फॉर्म बना दिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके ऊपर हमने कैसे इसका फॉर्म को WordPress में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो बना चुके ऑलरेडी, हम लिंक दे देंगे, प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड बहुत सारा हमने इसके ऊपर, ये जो मेरा PhD है, देखिए ये मेरा जो वेबसाइट है इसको कैसे हमने डेवलपमेंट किया WordPress में, इसका ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, तो एक बार देख लीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।